पड़ चुका लगता है। ओह ये गिला 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 भाई, लोग पहले घुस चुके हैं ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी हम लोग निकल चुके हैं भीलवाड़ा के लिए, और हम लोग ऑलमोस्ट आधे रास्ते नहीं, 1/4 रास्ते पहुंचे हैं। किशनगढ़ आने वाला है, हम लोग को इधर जाना था, वहाँ पे भी हम लोग जाने का सोच रहे हैं। तो अगर अभी खुला मिला तो हम लोग वहाँ जाएंगे। और भूख लग रही थी क्योंकि हम जल्दी निकले थे, तो हम थोड़ा बहुत नाश्ता कर आए थे। बट फूफी और ने मिठाई वगैरह भी भेजी साथ में, तो मिठाई वगैरह भी खा रहे हैं। और पापा और मम्मी और तो अब नाश्ता वगैरह ये लोग अब कर रहे हैं। तो खानी तो मैं खाती हूँ मिठाई। तो हम किशनगढ़ में एंटर कर चुके हैं, और ये जितना अभी यहाँ दिख रहा है और जहाँ हम जा रहे हैं वो भी एक्चुअली जंपिंग यार्ड ही है। और किशनगढ़ जो है फेमस है मार्बल्स के लिए, और यहाँ पे आप एंटर करोगे सिटी में सिर्फ और सिर्फ मार्बल्स और ग्रे होती है यही मिलेगी। और यहाँ की बहुत फेमस है, एक्सपोर्ट होती है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा। ये बस यही दिखेगा सब जगह, और इसी की मिट्टी के आ रहे जो उसका वेस्ट होता है ना, वहीं से पूरा उसको कर दिया उन्होंने। अब तो काफ़ी ट्यूरिस्ट आते घूमने के लिए, पहले नहीं आते थे इतने, लेकिन लोगों को पता नहीं था। अब उसको काफ़ी सुंदर बना दिया गया है, मतलब कहते हैं सुंदर दिखता है, और काफ़ी कमर्शियल एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी है। ठीक है, ला रहे फिर ला रहे फिर क्या कर रहे। तो भाई ये है डंपिंग यार्ड जो है पूरा। भाई ये जो मैं पहले आई थी फनुमा जी की शादी के टाइम में, प्री वेडिंग शूट करवाने हम लोग यहाँ पर आए थे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही था एकदम साइड में, कुछ भी ऐसा गेट वेट कुछ भी नहीं था। अब तो उन्होंने प्रॉपर गेट बना दिया, और एंट्री के लिए भी ना एंट्री फ्री है, बट वो कह रहे कि ना यहाँ पे इनके कोई एसोसिएशन है, वहां से एक टोकन या कुछ पर्ची कुछ देंगे जिसमें अपना सारा डिटेल्स लिखेंगे, उसके बाद ही अंदर जा सकते हैं। तो हम लोगों को लेने के लिए वो कह रहे हैं यहाँ से 2 चौराया क्रॉस करके जाएंगे, और लेफ्ट में कोई ऑफिस है। और ये ब्लॉक्स देखो मार्बल्स के, अभी तो ये स्लैब है पूरे, फिर बाद में ना ये वो शीट्स के जैसे इनको काटा जाएगा। कहाँ पे तो ये इतने बड़े बड़े पीस है। सेकंड चौराया तो यही है शायद, हवा यहाँ पे कुछ ऐसा। वो कह रहे अंदर जाके टोकन लो। ना तो काम हो गया यहाँ से, और यहाँ पे ऑडिटोरियम वगैरह बना हुआ है, काफी कुछ सुंदर लग रहा है, और एक अच्छा कैंप लगे हुए अभी यहाँ पर राजस्थान में। क्या नहीं है कैमरा अंदर है तो क्या पता पड़ेगा इनको। अब इतना लॉजिकल क्वेश्चन है, कैमरा तो नहीं है, फोन में सबका कैमरा होता है, और दूसरा अगर है तो भी गाड़ी की तो उन्होंने कोई चेकिंग करी नहीं है। और अभी शुरू हो गया है स्नो राजस्थान में। यहाँ में ट्रक्स दिखेंगे बर्फ लाती हुई, एक्चुअली ये देखो मिट्टी उड़ रही है व्हाइट मार्बल का। गाड़ी आ रही है यहाँ से, और इधर पूरा हाँ, यही देखने जा रहे हैं अपन अंदर अभी। चलो रास्ता ही नहीं आगे, तो गाड़ी जा रही है ना, लेके चलना गाड़ी खड़ी जहाँ पे भाई। रिड्यूस स्पॉट बन चुका है पूरा, और पहले जब कोई भी नहीं था, हम लोगों ने कैरे में प्री वेडिंग शूट किया था, हार्डली कुछ लोग होंगे, बाकी कुछ भी नहीं होता, इतनी देर सुख होती है, ये वाइट हो जाना तो आके खुलती भी नहीं है हमारी यहाँ पे। तो भाई थोड़ी बोरी धूप होना, जब भी आप चश्मा करना ब्लैक वाला, बाकी आंखें नहीं खुलती है, मेरे बंद हो रही है, मैं दिख भी नहीं रहा कैमरे में दिख रहा है। और ऐसे यहाँ ट्रक आती रहती है खाली करने के लिए, पता नहीं कहाँ जा रही है अभी। और भाई यहाँ घोड़े भी दिख रहे हैं वो रहे, इतनी तेज दिखे, हमने ग्लासेस पहन रखे, उसके बाद भी कुछ दिख तो रहा नहीं मुझे कैमरे में क्या दिख रहा है। बट यहाँ पे पानी वगैरह नीचे जाके देखते हैं, फोटोज वगैरह अच्छी आती है, तो हम भी थोड़ी क्लिक करा लेंगे। क्या बारिश का नहीं, क्या पता भर रखा है, किधर भर रखा है पानी, और एक इसके पीछे भर रखा है, और कलर भी प्यारा लग रहा है इसके साथ में, ब्लू कलर है ना इसका। तो सही में मतलब बिल्कुल बिना चश्मे का आना ही मत धूप के अंदर। तो हम पापा और मेरे पापा एक्सचेंज कर रहे हैं, पापा मिनट के लिए, हमारे 3 ही हम 4 लोग हैं, मेरी आग बिल्कुल बाहर बंद हो रही है, मुझे दिख भी नहीं क्या बन रहा है ब्लॉग में। ये भी मार्बल ही बना रखा भाई,
हाँ बैठे तो माबल से बना रखा है ना अभी क्या। और यहाँ भी लिखा हुआ है कृपया पानी से दूर रहे, क्योंकि कई जगह जगह थोड़ा सा पानी भरा है, वहीं पानी भरा है और उस साइड पर पानी भरा है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, यहाँ कोई बाहर चश्मे नहीं भेजा, इतनी रिक्वायरमेंट है, मतलब एक भी इंसान यहाँ नहीं है जो चश्मे का आया हो। इन्होंने जस्ट फ्रेम में जगह जगह छोटी फ्रेम भी बना रखी फोटो खींचने के लिए। इतना काला दिख रहा है ना, मजाक नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा काला दिख रहा है। ये काट जामुन से काट रखे ऐसे ही रियल करने के लिए दिखा रखा है, साइड में ऐसे जामुन से काट रखे ऐसे जगह जगह, देखो वहाँ भी ऐसे काट रखा है, वहाँ भी जामुन ऐसे काट रखा है कि जगह जगह से लगे कि रियल है, रियल ही वैसे तो, बट स्नो नहीं है वो ऐसा दिखाने के लिए। घर में वही प्रॉब्लम करी बहुत तेज है भाई, पूरा कड़क पत्ता बने अब तो, ये कई कई जगह सॉफ्ट है, ये भी हर जगह कड़क ही कड़क है। धूप के चक्कर में कड़क हो गई ये अपन पहले ना ये सर्फ उतना जब वो दिखाते थे ना राजस्थान के अंदर कैसे जमीन सूख जाती है। हाँ यार डॉट पड़ चुका लगता है, गिला 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 भाई, लोग पहले घुस चुके हैं, ये जा रहा देखो ये गया, बच गए टाइम पे गए भाई, धोखाधड़ी है तो यहाँ तो पूरा सूख रहा है, इसको मारा तो। हाँ ये लोग गुस्से में भी बहुत सारे लोग पैर, क्या टाइम पे मैंने जज किया है। चढ़ जाएगी, रुक रुक मैं जा रहा हूँ। तो भाई अब इस बार हम जा रहे ऊपर खबड़ बार रास्ते से, तो भाई पहुंच चुके हैं, तेरा फोन ही कट, तब गई गाड़ी। भाई हम लोग ऐसे निकल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा तेज गर्मी है, धूप तो दिख ही रहा होगा। फाइनली फाइनली पहुंच चुके हैं घर और काफी थक गए, सवार भी पड़े, टी शर्ट बाहर पड़े लगे नहीं नहीं बिखर जाता आते वक्त, इसलिए ऐसा होता है, कपड़े बाहर ही पड़े। ये बिना काटा वाला दो वैरायटी नींबू में, एक तो काटा है एक विदाउट काटा।